हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम ग्लेन के मिनी चॉपर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आए हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये देखिए, ये है ग्लेन का मिनी चॉपर जिसकी कॉस्ट लिखी है 2695। एमआरपी है ये, इससे काफ़ी कम रेट में ये मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं, इसका जो कोड है वो है SA4043 टर्बो, क्योंकि बहुत सारे इसमें आते हैं तो आप ये कोड ध्यान रखिएगा। ये ट्विन ब्लेड्स विद कटिंग एजेस है और चारों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कोड लिखा है और जो जो इसमें चीजें हैं वो बताई हैं। ये देखिए, फूड ग्रेड ट्रांसपेरेंट पीसी बाउल है, पुश स्टार्ट है, विस्किंग डिस्क है। आइए देरी ना करते हुए हम बॉक्स को ओपन करते हैं। ये देखिए, इसमें ना ये बॉक्स में है, ये इसका अपर पार्ट है, देख सकते हैं ग्लेन लिखा है। ये वायर है और ये ऊपर पुश बटन है जिससे ऑन ऑफ होता है, स्टार्ट होता है। बहुत अच्छे से पैक करके आया है ये। ये इसका जार है, एक ही जार है इसमें ये, और ये ब्लेड्स हैं। और यहां मैं आपको बताऊं, इसमें ट्विन ब्लेड्स हैं, यानी ये जो है कटर जो है वो चार हैं, ये ट्विन है यानी डबल है, तो आई थिंक इससे चॉपिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी। और ये विस्कर है, यानी आप दही विस्क करना चाहते हैं, जो लोग एग खाते हैं एग विस्क करना है, या केक का बैटर तो मुझे नहीं पता इतना थी कि इसमें इजीली विस्क हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में करके बताऊंगी। तो ये एक लॉन्गेस्ट है ब्लेड और एक ये शॉर्ट है, तो जो लोअर पार्ट में लगेगा वो ये वाला ब्लेड लगेगा। अगर आपको एक से ही करना है चॉपिंग तो थोड़ा मोटा होगा और उसके ऊपर फिर ये दूसरा ब्लेड फिट हो जाएगा। तो आप पास से देखिए, इस तरह से ये ट्विन ब्लेड हैं, यानी ऊपर से भी जो सब्जी आएगी उसको भी कट करेंगे और नीचे वाला भी। ये लिड है, इसके ऊपर आप ऐसे लिड लगाएंगे और ये जो इसका है ना, ये इस नॉब में इसमें फिक्स करेंगे। ये जो नॉब है इसके अंदर इसको फिक्स करेंगे, ये ऐसे फिक्स होगा। और ये जो वायर है ना, ये वायर भी मुझे सफिशियंट लगी है, 1 मीटर से ज्यादा ही है और सिंपल ये नॉर्मल प्लग है, तो कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई लॉक सिस्टम वगैरह नहीं है, बस ये ऐसे फिट हो जाता है। देखिए बिल्कुल कोई गैप नहीं है, इस टाइप से फिट हो जाता है, इजी टू मूव है। तो पहले इसको वॉश कर लेते हैं, फिर जो कट वेजिटेबल्स हैं उनमें हम चॉप करके दिखाएंगे उनको। वॉश करके हमने पेपर नैपकिन से पोंछ लिया है, और अगर कुछ आप विस्क करते हैं ना तो उसकी कैपेसिटी भी यहां पर दी हुई है, अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है तो लीटर्स करके यहाँ पे लिखा है, तो उससे ज्यादा नहीं भरना है। तो अब हम इसमें ये ब्लेड वापस फिट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज करेंगे, तो प्याज के मोटे मोटे चंक्स मैंने कर लिए हैं। और यहां मैं बताऊं जो इसकी मुझे खासियत लगी, कि जब हम कुछ भी कट करते हैं ना तो सारा यहां आ जाता है और हमको इस चीज को वॉश करना पड़ता है, तो हमें कभी भी ये सब ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वॉश करने की जरूरत नहीं है, तो वो खराब भी जल्दी नहीं होगा। बस इसको आपको बाउल और ये ढक्कन को वॉश करना है। तो इसको करते हैं फिट, कोई लॉक सिस्टम नहीं है, और अब हम प्लग लगाते हैं इसका, और इसको अब हमें प्रेस करना है। कुछ ही सेकंड्स में देखिए, इस टाइप से मैंने आपको बिना कट किए दिखाया है, प्याज जो है वो बहुत अच्छे से चॉप हो गई है। तो कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, ऐसा नहीं है बहुत बार बार आपको करना पड़ता है। ये मेरे ख्याल से ट्विन ब्लेड की वजह से है। तो प्याज को बाउल में निकाल लेते हैं।
सबसे पहले ये ब्लेड्स भी निकाल लेंगे हम। और मैं यहां आपको दिखाऊं, बहुत अच्छे से ये चॉप हो गया है। मैं चम्मच निकालती हूं। ये देखिए, तो किसी भी चीज के लिए आपको अगर इसे चॉप करना है ना फाइन, तो बहुत ही बढ़िया ये चॉपर है। ये हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी और आसानी से चॉप हो गई। तो कोई भी सब्जी बनाना है, तड़का लगाना है या कोई रायता बनाना है, फाइनली चॉप करना है। ये अभी मैं क्लीन करूंगी, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो आपको दिखा रही हूँ। तो कोई भी बड़ा पीस नहीं है, बहुत अच्छे से ये चॉप हो गया है। अब मैं बिना वॉश किए ही इसमें गाजर डाल रही हूँ और इसको भी हम चॉप करते हैं। देखिए कितनी जल्दी ये फाइन हो रहा है। कुछ ही सेकंड्स में हो रहा है ये, तो कमाल। गाजर तो बहुत ही अच्छे से हो गई है, ये देखिए, है ना मजेदार। तो अगर आप कोई चॉपर देख रहे हैं तो मुझे लगता है ये बेस्ट है। कहीं भी वो नहीं है बड़े पीस। और अगर आप पहले प्याज करेंगे ना, तो प्याज के टुकड़े आएंगे भी तो वो ज्यादा कलर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप पहले कोई कलरफुल सब्जी करेंगे और फिर प्याज करेंगे तो उसमें वो फिर रेड रेड दिखाई देगा। तो इसको बार बार वॉश करने की भी जरूरत नहीं है और आप अच्छे से इसको चॉप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी इसमें ये कॉलीफ्लावर करके देखती हूँ। ये भी आप एकदम प्याज के बाद कर सकते हैं ताकि इसमें कलर वो ना आए। मैं आपको ना इसको अच्छे से बताना चाहती हूँ, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। हो गया चॉप। तो ये तो बहुत ही मजेदार है। जो डोरी वाला है उसे खींचने में टाइम लगता है, प्रेशर लगता है। ये देखिए, हमने केवल 2 चंक्स डाले थे, यानी कम मात्रा में भी बहुत अच्छे से कर देता है। देखिए, तो स्टफ पराठे बनाने हो तो बेस्ट है, क्विक रिजल्ट। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। 2 टमाटर हैं ये। और ये देखिए, इसमें जो हल्का सा कलर आ गया ना, उसमें अगर आप वॉश नहीं करना चाहते ना, तो आप इसको पेपर नैपकिन से या किचन टॉवल से पोंछ भी सकते हैं। तो बार बार वॉश करेंगे तो सब्जियां जो हैं वो गीली हो जाएंगी और वो उतनी अच्छे से चॉपिंग नहीं दिखाई देगी। ये देखिए, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूं। अभी इसमें टमाटर के कुछ चंक्स हैं, दोबारा इसको लगा के करते हैं। देखिए, वंडरफुल। जैसे आप ग्रेट करते हैं ना, देखिए टमाटर ऐसे फाइनली चॉप नहीं है, लेकिन जैसे आप ग्रेट करते हैं ना, उस तरह का ये रिजल्ट है। आशा करती हूं आपको दिख रहा होगा। तो ये कभी कभी हमें लगता है ना, बिल्कुल प्योरी बन जाती है पीस के और हम कुछ चॉप करके बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है उस तरीके से। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। टमाटर जो है ना, ये ऑलमोस्ट ग्राइंड टाइप हो गया है, तो इसका ये रिजल्ट है। और आप चाहें तो इसको फ्रिज में, जैसे आपने किया है थोड़ी देर में आपको सब्जी बनानी है, तो आप ऐसे लिड कवर करके फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं। तो प्लास्टिक भी बहुत बढ़िया है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं सिंगल ब्लेड यूज करके जैसे जैसे अपनी रेसिपी में यूज करूंगी वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो अभी हमारे पास, हमने ये 4 चीजें आपको करके दिखाई हैं, उनका रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए, है ना बढ़िया। ये देखिए, मैं पास से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो बहुत ही बढ़िया ये
चॉपर है, टर्बो मतलब कि फास्ट ये काम करता है, और एक बटन से प्रेस होता है, तो बहुत ही इजी है, इजी टू हैंडल है। डोरी वाले में आप टमाटर करते हैं ना तो टाइम लगता है बहुत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।